आई नो वो दिशा को लेके इनसिक्योर हो जाती है, पोजेसिव हो जाती है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। उसे खुश रखने की हर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी हर बात मुझे ये एहसास दिलाती है दैट आई एम अ चीटर। दम घुटता है मेरा इस रिश्ते में यार, कभी कभी तो मन करता है कि खत्म कर दूं मैं इस रिश्ते को। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, लंबी सांस ले बस। आलिया जी, मैं समझ रहा हूं उस प्रॉब्लम को, लेकिन इसका सलूशन तुम दोनों के पास है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना। डोंट डू एनीथिंग इन हेस्ट, जल्दबाजी में कुछ मत करना, ठीक है? काम डाउन ना, लेट्स गो इन, चल। ईशा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। पर मैं तो जानती हूँ, और मुझे आपकी जरूरत है। क्या जरूरत? यहाँ बोर हो जाती मेरे बिना, इसलिए जबरदस्ती मुझे लेकर आई। देखिए, इनविटेशन पे लिखा था विथ फैमिली, और मेरी फैमिली कौन है? दी, वहाँ पर देख रहे हो, वो मिस्टर जुनेजा है और वो मिस्टर खुराना। आपको पता है क्या बिजनेस एक्यूमेन है इनका? लगता है जैसे बचपन से ही बिजनेस करते आए हो। म्यूजिक इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। दिशा, मतलब वो आएंगे यहाँ पे, वो भी हो सकते हैं। दिशा, यस, हेलो, हाय, मिस्टर जुनेजा, मिस्टर खुराना, ये मेरी सिस्टर है। हेलो, हेलो। ये भी म्यूजिक इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, एक्चुअली इन्हें रॉक म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हाँ क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है इन्हें। इनफैक्ट ऐसा कलेक्शन है जो आपके पास भी नहीं होगा। That's interesting. आपकी सिस्टर की पसंद भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है, ब्यूटीफुल। कभी हमें भी सुनाइएगा आपका कलेक्शन। मिस्टर मेहरा, प्लीज कम। जो मीडिया इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, दिशा उसे हैंडल कर रही है। That's good because she's brilliant, बहुत ही अच्छी। You know दिशा, but don't know her sister. ये प्रज्ञा जी हैं। She loves old songs, no? Not rock songs. इकलौती ऐसी लेडी हैं जो आपकी फैन नहीं है। Excuse me. मैं अभी आया। कोई बात है जो प्रज्ञा दी को परेशान कर रही है? तो ये है ऋषि का रूम। अगर हम एक साथ जी नहीं सकते तो हमें एक साथ मर जाना चाहिए। सब तुम्हारी गलती है ऋषि, तुम्हारी वजह से हम साथ नहीं रह पाए। अब इस गलती की सजा मानो या हमारी किस्मत। हम साथ जी नहीं पाए पर साथ मरेंगे जरूर। हम नहीं, हमारी आत्मा जरूर मिलेगी। थैंक यू। तुम नहीं बदलोगी? मैं नहीं बदलूंगी, मतलब? मतलब जब तुम्हारे मन में कोई सवाल होता है या तुम्हें कुछ पूछना होता है तो पता चल जाता है। अभी ये पूछना है ना कि मैं ऐसी क्यों? मैं आपसे ये क्यों पूछूंगी कि आप ऐसे क्यों?
जब मुझे आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। इनफैक्ट मैं खुद आपकी तरह बनना चाहती होती। जिस भी बात पे बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लेते हो आप, सो गुड। चलो ये सवाल नहीं, लेकिन कुछ तो पूछना चाहती हो तुम। तुम्हारी शक्ल बता रही है इसलिए पूछ लो। ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे कर लेते हो आप भी? मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं स्ट्रांग रही हूँ, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मैं बहुत वीक पड़ जाती हूँ। पर आप वैसे नहीं हो, आप हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहते हो। जिस भी बात में बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लेते हो। कैसे? आसान नहीं है। कभी कभी आपको जो सही लगता है उसके लिए आपको अपनों के अगेंस्ट जाना पड़ता है, और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। हर कोई तो प्यार चाहता है ना, प्यार के अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन ये ऐसी सजा है जो बिना मांगे मिल जाती। कभी कभी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ इतना नॉर्मल हो जाए कि साथ बैठकर कम से कम बात तो कर सके, से एक दूसरे को देखकर नजरें फेरना ना पड़े। यार कैसे होंगी हमारे बीच में चीजें नॉर्मल? सिंपल है, प्रियंका के मैटर को बीच में मत आने दो। बीच में तब आएंगी ना जब वो जिंदा होगी। व्हाट? यार मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन प्रज्ञा की वजह से वो लड़का उस ऋषि को इतना बड़ा मिल गया ना कि उसने प्रियंका को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। सुसाइड? हाँ यार, मैंने प्रियंका के सुसाइड नोट में पढ़ा था। समझ भी नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, उस प्रियंका को ढूंढू कैसे। वो जरूर जिंदा है और दिल्ली में, पता नहीं कहाँ। रणबीर यार, ये पेपर्स किधर भी नहीं मिल रहे यार। मेरे को लगता है ना सर ने बुक्स में छुपा दिए होंगे ताकि किसी का शक नहीं जाए। मेरे को ना, मैंने ये फिल्मों में भी देखा है। रणबीर, रणबीर, रणबीर कहाँ है यार तू? रणबीर, अबे रणबीर, ये अबे तेरी गुड नाइट कैसे हो गई भाई? अभी तो इस घर को गुड बाय बोलना था यार। रणबीर सो मत यार, मेरी मेरे को भी नींद आ जाएगी। तू सो कैसे रहा? उठ, उसमें कुछ मिला हुआ था। इसमें क्या मिला हुआ था? उठ यार, उठ। अरे ये तुम दो दो आर्यन कैसे हो यार? क्या? अबे कोई नहीं है मेरे बाजू में, क्या बकवास कर रहा है? अबे तुम दोनों जुड़वा भाई हो यार? ये तो आर्यन बने तो तुम्हारा भाई, मैं तो जानता हूँ। तुम कौन हो भाई साहब? अच्छा, हम रणबीर कोहली। हाय आर्यन पार्ट टू। तुमने ये आवाज सुनी? मेरा बेसबॉल बैट कहाँ है? अब आपको इतनी रात को बेसबॉल खेलना है? हाँ, उन चोरों के साथ जो मेरी स्टडी में है। वहां रखा है। सुनिए, इन अगर चोर दो हुए तो? मैं डरती क्या हूँ, हम भी तो दो हैं ना। नहीं नहीं रुकिए, एक मिनट। हाँ ले, आप चलिए। प्रिंसिपल के घर आए ना, अब तो सबक सिखा के भेजूंगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेटिंग। पर अब तक तो रिया को आ जाना चाहिए था ना, फ्लाइट तो कब की लैंड हो गई है, और अब तक तो उसने बैगेज भी कलेक्ट कर लिया होगा, फिर इतनी देर क्यों लग रही है? रिया आ गई। Hi girls. Hello. How are you? How are you? Fine. Hi Divya, how are you? What's up? कैसे हो तुम लोग? All good. Girls, it's really hot. I think हमें गाड़ी में बैठना चाहिए और AC ऑन करना चाहिए। चलो। हाँ हाँ, तुझे अभी गर्मी हो रही है तो जो बात हम इसे बताने वाले हैं वो सुनकर तेरा दिमाग फट जाएगा। What news? रिया, मैंने और दिव्या ने प्राची को रणबीर के साथ देखा। So प्राची रणबीर के क्लोज आ रही है, she's inching towards रणबीर, और ये न्यूज हमारे लिए अच्छी नहीं, स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि कॉलेज की विशलिस्ट में तुम ही हो ना रिया। कौन सी विशलिस्ट? मतलब ये कि सारे कॉलेज को पता है कि अगर रणबीर की कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है तो वो सिर्फ तुम हो। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यू फील समथिंग फॉर रणबीर, तुम्हें रणबीर के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, बट अगर प्राची रणबीर की गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तुम रिया मेहरा हो, यू विल ऑलवेज बी पॉपुलर। एग्जैक्टली राइट। तुम कार की डिक्की खोल सकते हो, मुझे बैग रखना है। तुम लोगों की प्रॉब्लम मैं यू सॉल्व कर सकती हूँ, बट बैग रखने के बाद
मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व कर सकती हूँ. मैं घर जाऊंगी, मैं रणबीर से मिलूंगी और मैं उससे कहूंगी प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू प्राची, और वो मेरे कहने पे प्राची से बात करना बंद कर देगा. तुम लोगों को ये लग रहा है कि प्राची और रणबीर के बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि वो दोनों साथ में पार्टी भी करते हैं. Forget it. मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मुझे डैड से मिलना है. Dude, I was in Paris, so I have to just go and see my dad. Let's go. गाड़ी में चलाऊंगी. Thank you so much. Girl, sit in the car. वो अगर कुछ होगी तो सिर्फ बदनाम होगी. मैं रणवीर को फोन करती हूँ, देखती हूँ वो कहाँ है. क्या सोच रही है? नहीं ऐसे मत देख, नहीं बता रहा तो मत बता, पर ऐसे दिखेगी जैसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया. हाँ किया है, कर तो रही है. कब से बोल रही हूँ मुंह बंद रख, मुझे कुछ सोचने दे. कुछ सोच रही हूँ मैं, लेकिन बोली जा रही है, डिस्टर्ब करी जा रही है मुझे. प्राची इसलिए तो डिस्टर्ब कर रही हूँ कि पता नहीं तू क्या वायलेंट सोच रही होगी. तू रणबीर को जाएगी, उससे मिलेगी, बहुत गुस्सा कर सकती है तो उस पे. गुस्सा ना? हाँ, इनफैक्ट मैं तो गुस्सा हूँ. मैं इतना गुस्सा हूँ कि गुस्से में आग बबूला हो सकती हूँ, ज्वालामुखी बन के फट सकती हूँ. क्योंकि पता है इस वक्त मैं अपना घर छोड़ के उस लफंडर के लिए सोच रही हूँ. अभी मुझे क्या करना चाहिए था, अपने घर पे शांति से सोना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं इन कपड़ों में आधी रात को घूम रही हूँ सड़कों पे और उसके बारे में सोच रही हूँ. ओह अच्छा, तो तू चाहती है कि तू टैक्सी में उसके बारे में नहीं सोचे, तो अपने बेड पर आराम से सोते सोते उसके बारे में सोचे. नहीं नहीं तू गलत समझ रही है, मेरा मतलब है कि तू शायद अगर घर पे होती तो इतना वायलेंट नहीं सोचती. हाँ शायद नहीं सोचती. ठीक है प्राची, वायलेंट नहीं सोचती तो क्या सोचती? देख रणबीर ने तुझे फोन करके दिखाया कि वो प्रिंसिपल सर के स्टडी रूम में, तो इसका मतलब वो चाहता है कि तू उससे जाकर वहाँ पर मिले. मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रणबीर ने फोन नहीं किया था, मैंने उसे फोन किया था, भूल गई तू? हाँ ठीक है, तूने उसे फोन किया था तो गुस्सा भी तू ही हो रही है. तू इससे मिलने जा रही, तू भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए. एक सेकंड, क्या हुआ, पहुंच गए क्या? पहुंच नहीं गए, मैंने इसलिए रुकवाई है गाड़ी ताकि तुझे ना गाड़ी से बाहर निकलना है. उतर, नीचे उतर. नहीं नहीं प्राची प्लीज ऐसा मत कर, आधी रात को तू मेरी टेंशन मत ले, मैं चली जाऊंगी, तू उतर. अरे प्राची मैं तेरी टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं रणबीर की टेंशन ले रही हूँ. बेचारा तू तो उस पे जाकर हल्ला बोल देगी गुस्से में, और वो क्या करेगा, उसे मेरी जरूरत है. प्राची मुझे भी साथ ले चल. उतर उतर. नहीं मैं नहीं उतरूंगी. उतरती है धक्का मारता उतर. अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज, फिर से प्लीज बोल. प्लीज प्राची प्लीज. एग्जैक्टली, ऐसे मुंह बंद रखना और चुपचाप चलना, ठीक है? I swear, प्राची. सोचने दे मुझे. चुप. आपका हो गया तो गाड़ी चलाऊं? हाँ प्लीज चलाइए, चलिए. वैसे प्राची, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रिंसिपल सर की बेटी है क्या? जी ना मैम. वो भी नाराज है. रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ टूटे ना. रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना. ओ अल्लाह क्या लगता है कि लाइफ के स्टेज में मैं किसी भी चीज से नाराज होगा? तो बेटी है मेरी, कोई बच्चा नहीं हूं मैं जो कोई चीज ना मिलने से नाराज हो जाऊं. ये तो नहीं लगना ना कि मेरे अगेंस्ट स्टैंड लेकर तुमने मुझे नाराज कर दिया. मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी हूं. ठीक है ना, अगर तुम्हें लगता है कि ऋषि सही कर रहा है तो मेरे नाराज होने ना होने से क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ हूं मैं नाराज, लेकिन मेरी नाराजगी से बढ़कर तुम्हारा भरोसा है ना जो तुम ऋषि पर दिखा रही हो. आप प्लीज मेरी बात समझने की कम से कम कोशिश. अब क्या कोशिश करूं मैं, बताओ ना मुझे क्या कोशिश करूं? गलती तो मेरी ही थी ना. आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे बात किया, तुमसे मिला, सब कुछ पहले से करने की कोशिश की. इट्स माय फॉल्ट. मुझे नहीं पता कि ऋषि तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जस्ट नो दैट. आपको मेरी बात नहीं समझनी, मत समझिए, उल्टा मत समझिए. इट्स नॉट अबाउट ऋषि, इट्स अबाउट मी. मेरी सोच, मेरे उसूल, मेरी चॉइसेस. ठीक है, मेरे 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 क्या मेरे, हम की कोई जगह नहीं है तो हम बात भी क्यों करें? तुम रहो, सच का साथ दे रही हो ना तुम, तो सच का साथ दो, मेरे साथ क्यों खड़ी हो? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ.
आपने यहीं रुकना, वहां पीछे पार्क करना, हम अभी आते हैं। हाँ मुझे पता था प्रिंसिपल सर का घर। रणबीर ने ना कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, बस कॉलेज में ना पॉपुलर बने रहना। उसके लिए अच्छे मार्क्स चाहिए और अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर। अच्छा अच्छा ध्यान से जाएगा यार वो, जाएगा। कैसे भी के आए थे जो हम बहुत बुरी तरह फंस गए, मुझे दिख रहा है हमने कितनी आवाज कर दी है। आई थिंक हम सब खड़े जाने वाले। तुमने उसको फंसाया होगा, तुमने उसको मजबूर किया होगा पीने के लिए, तुमने उसको बहलाया होगा फुसलाया होगा, तुमने ऐसे काम करने के लिए उसको मजबूर किया ना। सच बताओ मैं ये मेरे को लेके आया यहाँ पे, मैं इसके काम में इन्वॉल्व हूँ, ये मेरे में नहीं। कर क्या रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है कब से? पैसे तुमने ये आवाज सुनी? मैंने क्या, पूरी सोसाइटी ने सुनी होगी। कोई लड़की है, लड़की से तो मैं अकेली नहीं पट लूंगी। और अगर लड़का हुआ तो बंटी और बबली की जोड़ी? पीछे रहो कुछ तो भी क्या, आप ही ने तो कहा था कि हम दो हैं निपट लेंगे। हाँ चलिए निपट लेंगे। हाँ वो शायद क्वेश्चन पेपर्स है ना, तो वो क्वेश्चन कि चोरी कर रहा है, तुम रोक क्यों नहीं रहे सरों को उसे? रोको स्टॉप, क्या कर रहे? रणबीर यार चुप कर। आर्यन तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगा कि तुम इसका साथ दोगे। यार फ्रेंड्स तो यही करते ना, सही हो या गलत हो हमेशा साथ ही देते हैं ना। घटिया लॉजिक भी इसी ने तुम्हें सिखाया होगा ना। प्राची चल छोड़, अब जो हो गया अब ना इसे हम गलत काम करने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, तू रियलाइज कर लिया हम भी इसमें फंस गए इनडायरेक्टली, किसी को पता चलेगा क्या लगेगा हम भी चोरी कर रहे हैं। आवाज उधर से आई है, उधर चलो। कोई आ रहा है, सुन सुन एक काम कर शाना, एक सेकंड तू ना, तू उनका ध्यान भटका, जस्ट डाइवर्ट दे। ओके मुझे नहीं सुन, पहले मैं और आर्यन ना रणबीर को लेके बाहर जाते हैं, बाहर जाके गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, दैट विल बी योर सिग्नल कि तुझे भी बाहर निकलना है। डू योर बेस्ट, चल दिमाग चला, चल 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 ऑल द बेस्ट, जा जा जा। ओके क्या कर रणबीर, चलो चलो उसको लेके आओ पहले। वो आ रहा है रणबीर, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की रोने की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम।